अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और मेरे चैनल का नाम है उम्मे सादिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो आप सबका भी फेवरेट होगा। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चीजें चाहिए होंगी वो ये सब है। इसमें जाएंगे आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और इमली सॉस। तो अब इसमें आलू ऐड कर लें, प्याज ऐड कर लें और टमाटर ऐड कर लें, हरी मिर्च बारीक सी चॉप कर लेंगी आप, और इसमें नमक ऐड कर लेंगी आप। नमक तो आपको पता है कि नमक हसबे जायका ही होता है, और चना चाट तो सबका फेवरेट होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम सब दही भल्ले, गोलगप्पे और ये सब चीजें बहुत शौक से खाते थे, तो आप भी यकीनन खाते होंगे, आप सबका भी फेवरेट होगा। तो आप इसमें इमली सॉस भी ऐड कर लेंगी, चाट मसाला ऐड कर लेंगी, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, जो भी आप ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकती हैं। बहुत मजे का बनता है, और आप डाइट वाले लोग तो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस हैं लोग वो जरूर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उन सबके लिए ये हेल्दी फूड है। बच्चों को भी डे टाइम में अगर आप जल्दी बना लेती हैं, मगरिब से पहले बना लेती हैं, तो आप बच्चों को डे टाइम में बना के दे सकती हैं। और इसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और घंटी के बटन को जरूर क्लिक करें। और ये मेरी फाइनल लुक है, यकीनन आप सबको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा स्पाइस कम रखती हूँ, बाद में ऊपर से ऐड कर लेते हैं हम सब। जिसने जितना ऐड करना होता है वो अपने हिसाब से ऐड कर लेता है। थोड़े से ये बीज आ गए थे जो मैंने बाद में हाथ से उठा लिए थे, और बहुत लजीज बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप इसमें दही ऐड कर लें और थोड़ी सी फुल्कियां ऐड कर लें तो ये दही भल्ले भी आपके बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएंगे। आप इसे घर में बनाइएगा और खुद भी खाइएगा। बस आज इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।